नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। कम रिस्क में अच्छा रिटर्न पाने के लिए अधिकतर निवेशक म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। बाजार की हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, और जब बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो, ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम है जो आपको काफी बेहतर रिटर्न देती है, और वो स्कीम है आर्बिट्राज फंड। तो आज जानेंगे आर्बिट्राज फंड की खासियत, कैसे काम करती है स्कीम, टैक्स कैसे लगता है, और किन निवेशकों के लिए ये अच्छी स्कीम है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट हैं। उनका परिचय करा देते हैं। रुंगटा सिक्योरिटीज से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आर्बिट्राज फंड हाइब्रिड फंड की ही कैटेगरी मानी जाती है, पर कुछ जरा हटके काम करती है, इसलिए समझना जरूरी है कि आर्बिट्राज फंड की खासियत क्या है। शुरुआत इसी से करना चाहेंगे कि आर्बिट्राज फंड को हम कैसे समझें। वेल साथी, आपने जो आर्बिट्राज फंड की बात की है, ये एक ऐसी स्कीम है जो आर्बिट्राज एज द वर्ड जो कहता है ना, कि दो मार्केट्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है उसको कैप्चर करता है। तो सिंपल से एग्जांपल में मान लीजिए एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उस कंपनी की ये वाली स्कीम कैश मार्केट में उसके शेयर खरीदेगी, और उसी समय फ्यूचर्स मार्केट में उतनी ही क्वांटिटी उसी कंपनी के शेयर वो साइमल्टेनियसली बेच देगी। तो एक तरफ आप खरीद रहे हैं मान लीजिए 100 रुपए में, और फ्यूचर्स मार्केट में जिसकी वैल्यू मान लीजिए 102 या 103 रुपए होगी, आप उसे फ्यूचर्स मार्केट में जो 30 डेज की एक्सपायरी है उसमें आप फ्यूचर्स मार्केट में आज ही उसे बेच देंगे। तो जो डिफरेंस है, जो आपने एक आर्बिट्राज कमाया 100 रुपए का और 102 रुपए में जो आपने बेचा, वो आपका गेन्स होता है, और होल्डिंग पीरियड इस इन्वेस्टमेंट का जो हो गया, जो आपके पैसे जमा हुए हैं वो होल्डिंग पीरियड हो जाता है करीबन 1 महीना जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। तो ये हो गया आर्बिट्राज फंड। इसमें आपको आपका जो प्रॉफिट है वो पहले दिन से ही लॉक हो जाता है। सो ये टेक्निकली बोलने के लिए एक इक्विटी फंड है, लेकिन इसमें इक्विटी रिलेटेड, मार्केट वोलेटिलिटी रिलेटेड कोई भी प्राइस का रिस्क आपके ऊपर नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो जैसे कहा जाता है कि जब बाजार का उतार चढ़ाव है उसमें काफी ज्यादा कारगर साबित होता है ये, तो बेसिकली वॉलिटिलिटी में यही जो कैश और डेरिवेटिव के बीच के भाव का अंतर है, यही निवेशकों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। जी हाँ। सो इनफैक्ट ये स्कीम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप इसमें प्रॉफिट कमाते कैसे हैं, वो उसका डिफरेंस जो कैश और डेरिवेटिव मार्केट का जो प्राइस डिफरेंस एक पर्टिकुलर स्टॉक का है, अब वही आपकी प्रॉफिट है। सो जितनी मार्केट में वॉलिटिलिटी होगी उतना ही ये फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो बेसिकली जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे कैश और डेरिवेटिव जो फ्यूचर मार्केट की जो प्राइस डिफरेंस होगी उसमें हो सकता है कि आपको ज्यादा डिफरेंस ही मिले, जिसमें आपको ज्यादा मुनाफा कमाने की गुंजाइश बन जाती है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो समझना है कि ये आपको इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं देगा। सो इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि भाई आप अगर 8 या 10 साल तक निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि इक्विटी की वैल्यू जो बढ़ती है उसका रिटर्न आपको मिलेगा ओवर लॉन्ग टर्म। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, जिसमें जो एक्सपायरी है ये रोल ओवर होते रहती है। मान लीजिए कि आप कैश एंड फ्यूचर्स मार्केट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो जब खत्म होगा तो आप फ्रेश कैश फ्यूचर मार्केट का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इसमें अगर हम हिसाब लगाएं तो होता ये है कि कैश मार्केट में जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा है और 102 रुपए में आपने फ्यूचर्स मार्केट में बेचा है, अब महीने के एंड में मान लीजिए ये पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आई हुई है, तो 100 रुपए का जो भाव था वो मान लीजिए 95 रुपीज हो गया, तो 5 रुपए का आपको कैश सेगमेंट में आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपने फ्यूचर्स में उसे बेचा हुआ है तो 5 रुपए का गेन आपको वहां मिल जाएगा। तो आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो इफेक्ट नहीं होता है अगर मार्केट की प्राइसेस मूव होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तरह नहीं है, लेकिन इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। हमने बेसिक जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्बिट्राज फंड का, वो समझा हर्षवर्धन से। हमारे साथ इस वक्त एडवाइस एएमसी के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी भी हैं। निरंजन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आर्बिट्राज फंड की बात कर रहे हैं, बेसिक्स हमें हर्षवर्धन ने बताए, लेकिन अगर हम आर्बिट्राज फंड के इस यूनिवर्स को समझें, इस कैटेगरी को समझें, कितना ग्रो हुआ है ये जो कैटेगरी है,
अगर हम समझना चाहें पिछले कुछ टाइम में? श्योर, धन्यवाद पहले तो मुझे बुलाने के लिए। तो आर्बिट्राज फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी है वो करीबन लगभग 85,000 करोड़ की एयूएम है एट द मोमेंट। लगभग 12 से 15 फंड्स है इस कैटेगरी में, और पिछले कई 2-3 सालों में धीरे धीरे ये एयूएम जो है इसकी मात्रा ग्रो हो रही है। इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख पे काफ़ी HNI इन्वेस्टर्स, कुछ हद तक रिटेल इन्वेस्टर्स और काफ़ी मात्रा में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज फंड्स के बारे में जानते हैं। ये अभी जानते हैं कैसे काम करता है, इसमें कितने रिस्क है और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी रखनी चाहिए, और इसीलिए लार्जली HNI और इंस्टीट्यूशनल निवेशक ही इस कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर भी लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। काफ़ी फंड्स है जो ग्रोथ ग्रो हो रहे हैं AUM में, और ओवरऑल भी इसका जो AUM है लगभग 90,000 करोड़ है। इसका पीक AUM हालांकि लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। पिछले कुछ महीनों में आर्बिट्राज रिटर्न्स कम थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थी और इसीलिए थोड़ा आउटफ्लो हुआ था। अभी धीरे धीरे निवेशक फिर से इस कैटेगरी की ओर आ रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, स्प्रेड्स काफी अच्छे हैं अभी इस मार्केट में। ओके, एब्सोल्युटली, जैसा आप निरंजन भी कह रहे हैं हर्षवर्धन, कि मोस्टली जो HNI है, इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुझान आर्बिट्राज फंड की तरफ ज्यादा बढ़ा है। पर एक अगर बड़े तबके की बात करें जो रिटेल निवेशक हैं, उनके लिहाज से आर्बिट्राज फंड आपको कैसा लगता है? क्योंकि शायद ये एक एरिया है हर्षवर्धन जो कि शायद अनएक्सप्लोर्ड है, और क्या वजह है कि HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आर्बिट्राज फंड के प्रति ज्यादा रुझान है? तो देखिए स्वाति, इसमें ना क्लियर एडवांटेज एक है टैक्सेशन का। तो हम अगर समझे, जैसे मैंने कहा कि ये जो स्कीम है ये कैटेगरी इक्विटी कैटेगरी में आती है क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली इक्विटी में हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल अंडरलाइन है उसमें इक्विटी का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हमने देखा कि आपने एक तरफ कैश मार्केट में खरीदा और साइमल्टेनियसली आपने डेरिवेटिव्स मार्केट में उसे बेचा है, तो आपको कोई इक्विटी का प्राइस रिस्क नहीं है। अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें, सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क कैसे पड़ता है? आप मान लीजिए आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है और ये लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट के कोई इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर डेट में करते हैं, तो पहले चलिए डेट का टैक्सेशन समझ लेते हैं। अगर आप लिक्विड फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल की होल्डिंग के अंदर में अगर आप बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, उसका टैक्सेशन है जो आपकी इनकम स्लैब है उसके बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। 3 साल के ऊपर आपने अगर होल्ड किया है तो आपको 20% टैक्सेशन है प्लस इंडेक्सेशन, जो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो मिला के आपको 20% आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप आर्बिट्राज फंड लेते हैं, इसमें कोई इक्विटी का, प्योर इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, आपका आर्बिट्राज पोजिशन है जो आपको मोर और लेस एक इक्विटी के वॉलिटिलिटी से इम्यून करता है। अब इसमें आपका होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 1 साल का है क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है, तो 1 साल के अंदर में आपने अगर कुछ भी प्रॉफिट्स कमाया है तो उस पर आपको टैक्स लगता है 15% का। और अगर लॉन्ग टर्म है, मान लीजिए 1 साल के ऊपर आपने निवेश करके रखा है और जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको भरना है 10% टैक्स, और उसमें भी फर्स्ट 1 लाख आपका एग्जेम्प्टेड है, फर्स्ट 1 लाख कैपिटल गेन्स जो आप बनाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर ये आप कंपेयर करेंगे जो डेट फंड के टैक्सेशन से, तो नेचुरली जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जिनका 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनको अगर कोई भी लिक्विड फंड जैसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए आर्बिट्राज मच बेटर होता है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, अगर ऐसे कोई भी इन्वेस्टर हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाने हैं जो इक्विवेलेंट टू लिक्विड फंड या लो ड्यूरेशन मनी मार्केट फंड का जो उनका इन्वेस्टर है, अगर उनको वहां पैसे लगाने और वो 20% और 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उनके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज फंड वेरी वेरी गुड। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि रुझान काफी है इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स आर्बिट्राज फंड। और डेट का टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता दूं, जो ये लिक्विड फंड और कैटेगरी है जो लेस देन 35% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द सेंस कि उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ही लगेगा इवन इफ देयर होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 इयर्स। तो उनका जो टैक्सेशन पीरियड जो एलिमेंट है वो उनकी इनकम में जोड़ के टैक्स होने वाला है।
एब्सोल्युटली. तो टैक्सेशन का हमने समझा निरंजन. रिटर्न के लिहाज से हम आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी को कैसे देखें? हम कुछ नंबर्स भी दिखा रहे थे क्योंकि लिक्विड फंड की यहाँ पर बात ही हुई और उसके टैक्सेशन को हर्षवर्धन जैसे बता रहे थे, स्पेशली आफ्टर जो डेट टैक्सेशन में जो बदलाव हमने देखे हैं. आर्बिट्राज फंड के पिछले कुछ टाइम के रिटर्न और उसकी रिटर्न जनरेशन जो कैपेबिलिटी है वो कैसी रही है निवेशकों के लिए? सो इसमें हमको पहले समझना चाहिए कि आर्बिट्राज का जो रिटर्न है ये किस चीजों पर निर्भर है. तीन चीजें हैं जिस पर वो निर्भर है. सबसे पहले तो बाजार में इंटरेस्ट रेट्स की लेवल क्या है. अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है तो आर्बिट्राज स्प्रेड्स या आर्बिट्राज का जो रिटर्न्स है वो भी इंटरेस्ट रेट्स के आसपास होगा. अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे है तो आर्बिट्राज स्प्रेड्स भी नीचे होंगे, बिकॉज एक कॉस्ट ऑफ कैरी का कॉन्सेप्ट होता है. किसी और दिन हम वो भी समझेंगे, बट कॉस्ट ऑफ कैरी इज नथिंग बट जो आपको रिस्क फ्री रेट या इंटरेस्ट रेट बाजार में मिलता है वो एक होता है. दूसरा जो दूसरी एक और चीज है जिस पर आर्बिट्राज फंड्स का और स्प्रेड्स का रिटर्न निर्भर होता है वो है बाजार में कितनी तेजी है और वोलेटिलिटी है. सो अगर बाजार में वोलेटिलिटी या बुलिश सेंटिमेंट ज्यादा है तो आर्बिट्राज स्प्रेड्स जनरली ज्यादा होते हैं. अगर हम पिछले 6 महीने में देखते हैं, 6 महीने के पहले बाजार काफी वोलेटाइल था लेकिन सेंटिमेंट्स जो थे वो बेरिश थे, तो इसीलिए जो फ्यूचर्स में स्प्रेड्स मिल रहे थे वो काफी कम थे. आज के तारीख में अगर हम देखते हैं मई महीने में एफआईआईएस का लगभग 4 से 4.5 बिलियन का इन्फ्लोज आया है. सेंटिमेंट्स काफी अच्छे है. बाजार नई ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है और अभी पिछले 2-3 सालों में सबसे अच्छा आर्बिट्राज में स्प्रेड्स मिल रहा है. तो ये दूसरी चीज है जिस पर आर्बिट्राज का रिटर्न निर्भर करता है. और तीसरी चीज है कि कितने लोग आर्बिट्राज स्प्रेड्स को खेलना चाहते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था, जो आर्बिट्राज फंड का एयूएम है, आर्बिट्राज फंड जो है ये काफी बड़े मात्रा में इक्विटी आर्बिट्राज मार्केट. So, अभी जो ये AUM है लगभग 90,000 करोड़ के आसपास है. कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले या साल पहले ये लगभग 1,10,000 करोड़ हो गया. सो अगर ओपन इंटरेस्ट काफी है लेकिन AUM जो आर्बिट्राज स्प्रेड चेज कर रहा है ये अगर कम मात्रा में है तो भी आपके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं. सो आज के तारीख में अगर हम देखें ये तीनों चीजें काफी फेवरेबल है. इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊपर है, मार्केट में काफी बुलिश सेंटिमेंट्स है, और तीसरी जो चीज है AUM भी काफी कम है कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट. आर्बिट्राज मार्केट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 1,90,000 करोड़ के आसपास है. निवेशक सबसे बड़ा जो निवेशक है वो म्यूचुअल फंड, आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड लगभग 90,000 करोड़ है. बाकी FIIs या HNI इन्वेस्टर्स भी है, लेकिन फिर भी एक डिमांड सप्लाई का गैप है. इसीलिए ये तीनों चीज अगर हम देखते हैं जिसपे आर्बिट्राज रिटर्न निर्भर होते हैं ये काफी फेवरेबल है आज के तारीख. लंबे समय में अगर हम इसको देखें तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितना रखना चाहिए, जो बाजार में इंटरेस्ट रेट्स है उसके आसपास इसकी ग्रॉस रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए. और जैसे अभी हमने समझा कि जो टैक्सेशन बेनिफिट है उससे एक एडिशनल रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता है. अगर डेट फंड में हम देखते हैं तो पूरी तरीके से टैक्स होता है, आपका जो भी टैक्स लैब है उसके मुताबिक टैक्स होता है, लेकिन बिकॉज आर्बिट्राज फंड एक इक्विटी फंड है इसमें टैक्सेशन कम है. सो रिटर्न आपके इंटरेस्ट रेट्स के आसपास होगा, टैक्सेशन कम होगा, इसलिए आपका जो नेट रिटर्न है वो लगभग एक ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रेडिशनल डेट प्रोडक्ट से, शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट से बेहतर होगा. सो ये इसके आसपास निवेशकों ने एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए आर्बिट्राज फंड्स. एक चलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद ये भी समझेंगे एक आर्बिट्राज फंड चुनने से पहले क्या देखे, कौन से ऐसे मोस्ट लाइकली जोखिम भी हो सकते हैं आर्बिट्राज फंड की, जिसके लिए जिनको जानना और समझना जरूरी है. चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ. आप
आर्बिट्राज फंड पर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ एडलवाइज एएमसी के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी हैं और रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा से कर रहे हैं खास चर्चा। हर्षवर्धन, एक किसी के पोर्टफोलियो में आर्बिट्राज फंड कैसे हम फिट कर सकते हैं, मतलब जो निवेश का पर्पज है किसी एक आर्बिट्राज फंड का पोर्टफोलियो में कैसी जगह? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आप शॉर्ट टर्म डेट फंड, आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड, जो एसेंशियली आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर इन स्कीम्स की हैं, तो आप इसके कंपैरिजन में एक आर्बिट्राज फंड को फिट कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में, अगर कोई भी इन्वेस्टर की जो टाइम होराइजन मिनिमम 30 डेज का हो एंड गोइंग अप टू 1 ईयर, तो ये प्रोडक्ट अच्छी तरह फिट होता है, क्योंकि ये बेसिकली लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन फंड का रेप्लिका है, जहां पे आपको मार्केट वोलेटिलिटी नहीं है, वहां पे आपको मार्क टू मार्केट एनएवी की भी आपको ना, मतलब जो मार्केट अगर मूव करता है तो आपको, जैसे मैं समझाया कि कोई भी फर्क आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पड़ता है। इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके कोई डेट पेपर्स नहीं है जिसकी क्रेडिट रेटिंग है। सो आई थिंक ये एक प्रोडक्ट जो है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, जिसका कंपेरिजन आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड के साथ में कर सकते हैं। तो ये आपकी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के लिए। और एक चीज से ध्यान रखना होगा कि एग्जिट लोड्स होती हैं इन स्कीम्स में, जो अगर मान लीजिए आप 30 दिन ऑन एन एवरेज, बाकी सारी जो स्कीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो आर्बिट्राज फंड की हैं, लगभग 30 डेज के पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। कई स्कीम्स हैं जो 15 या 21 दिन का भी उनका एग्जिट लोड का पीरियड होता है। तो अगर आपका मिनिमम टाइम होराइजन मान लीजिए 30 दिन का है और 1 साल या 1.5 साल तक आपका टाइम होराइजन है, तो ये स्कीम उसमें फिट होती है। मुझे निरंजन थोड़ा सा बताइए कि जब हम आर्बिट्राज और हेजिंग की बात करते हैं, दोनों में वो अंतर है क्या? काफी अंतर है। जब हम हेजिंग की बात करते हैं तो हेजिंग कई तरीके से हो सकता है। सो हेजिंग मूलतः आपका जो ओपन इक्विटी एक्सपोजर है, इसको कम करने के लिए हेजिंग हो सकता है। सो यदि आपके पास एक पोर्टफोलियो है 30-40 स्टॉक्स का, और उसके अगेंस्ट आप निफ्टी फ्यूचर्स सेल करते, उसको भी हेजिंग किया कहा जा सकता है। हालांकि ये परफेक्ट हेज नहीं होता है, लेकिन इसमें ये एम होता है कोई निवेशक का कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाउनसाइड से प्रोटेक्ट हो, इसलिए हेजिंग किया जाता है। आर्बिट्राज में जो एम है वो है दो मार्केट के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है, इससे रिटर्न कमाया जाए। जैसे हर्षवर्धन जी मेरे आने से पहले कुछ समझा रहे थे कि अगर एक मार्केट में जो स्पॉट मार्केट है या कैश मार्केट है, वहां पर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, और फ्यूचर्स मार्केट में वो अगर 105 है, तो आप इस मार्केट में बाय कर रहे हैं और उस मार्केट में 105 पे सेल कर रहे हैं। फाइनली ये भी एक हेजिंग का तरीका है, लेकिन ये एक आर्बिट्राज के द्वारा हेज किया जाता है, तो जो डिफरेंस है ये आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से अगर NSE या BSE, ये दो मार्केट में एक ही स्टॉक का प्राइस डिफरेंट है, अंतर है दोनों में, तो आपने यहाँ पे बाय किया और वहां पर हायर प्राइस पे सेल कर दिया, ये भी एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होती है। सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज या आर्बिट्राज का मेन एम होता है कि दो मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस है उससे रिटर्न कमाया जाए, रिस्क फ्री रिटर्न कमाया जाए। हेजिंग का मेन एम होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें रिस्क कम किया जाए। ये फ्यूचर्स सेल करके हो सकता है या एक पुट खरीद कर हो सकता है, काफी तरीके हैं हेजिंग के, जब आपको आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना होता है। ऑलराइट, क्योंकि इसको हम कम जोखिम का निवेश कह रहे हैं आर्बिट्राज फंड को, क्योंकि अनिश्चित बाजार में ये एक अच्छा कुशन देता है टुवर्ड्स रिस्क, लेकिन क्या ये टोटली रिस्क फ्री हम माने, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश तो कभी भी रिस्क फ्री हो नहीं सकता। हर्षवर्धन, कुछ ऐसे जोखिम जो हम निवेशक जो है वो समझना चाहें आर्बिट्राज फंड के निवेश करने से पहले? देखिए स्वाति, इसमें जोखिम बोल के मार्केट का जोखिम, क्रेडिट रिस्क का जोखिम तो है नहीं कि भाई आपको पेपर डिफॉल्ट होगा या ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि मार्केट का प्राइस गिर गया तो आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी एक तरफ सेलिंग भी किया हुआ है। तो मार्केट रिस्क, आपको क्रेडिट रिस्क दोनों नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि आगे जाते हुए, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में जो टोटल AUM आर्बिट्राज में लगा हुआ है
वो अगर हम एमसी के अप्रैल के डेटा देखें तो एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन अप्रैल इन आर्बिट्राज फंड बाय इटसेल्फ वो करीबन 81,000 करोड़ था, और 26 स्कीम्स हैं जो आर्बिट्राज फंड को ऑफर कर रही हैं, और 3,700 करोड़ इनका अप्रैल में नेट इनफ्लो हुआ है। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड को देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एक पोर्शन जो होता है वो आर्बिट्राज में किया इन्वेस्ट होता है। अगर हम वो भी जोड़ लें तो करीबन 1,40,000 करोड़ का टोटल एयूएम आर्बिट्राज में लगा हुआ है हर महीने का। अब अगर ये इतना बड़ा कॉर्पस अगर बन जाता है जो एब्जॉर्ब जो जो बेसिकली जो स्प्रेड है, मान लीजिए जो कैश और डेरिवेटिव मार्केट में जितना स्प्रेड है और उतना ही एयूएम अगर इन्वेस्ट होता है तो ये स्प्रेड धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक इन्वेस्टर एक जो अगर आप और मैं अगर आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कमाई कहाँ से होती है? जब ये गैप होता है, जब 100 रुपए और 102 या 103 रुपए का गैप होगा बिटवीन कैश एंड फ्यूचर्स मार्केट, तब आपको फायदा मिलेगा। अगर लेकिन बहुत सारा पैसा अगर चेस कर रहा है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को तो ये जो मार्जिन है वो श्रिंक होती रहेगी, और जैसे मार्जिन श्रिंक होती है आपका रिटर्न कम हो गया। तो एसेंशियली एक आर्बिट्राज फंड इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि मुझे लिक्विड फंड या मुझे एफडी के बराबर या उससे बेटर रिटर्न मिल जाए। तो ये रिटर्न आपको तब मिलेगा जब ये स्प्रेड्स अच्छे रहेंगे, और वो स्प्रेड्स कब कम होंगे? जब या तो मार्केट में वो स्प्रेड ऑटोमेटिक बाई सेल्फ कम हो जाए, और या तो बहुत सारा पैसा इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को जो चेस करेगा तो ये मार्जिन कम हो जाएंगी। तो सिर्फ इस बातों का आपको एसेंशियली ध्यान रखना है कि आपको आगे जाते हुए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को गारंटी रिटर्न तो दे नहीं सकते आपको, तो आगे जाते हुए कितना रिटर्न आप एस्टिमेट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द टोटल एयूएम ऑफ आर्बिट्राज एंड द मार्केट वोलेटिलिटी जिसमें आपको गैप मिले, तो ये एक एसेंशियल रिटर्न का रिस्क है। बाकी क्रेडिट रिस्क और मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क इस इन्वेस्टमेंट में नहीं है। अभी जो मौजूदा बाजार है निरंजन, ऐसे बाजार में आर्बिट्राज फंड में अच्छे मौके आपको लग रहे हैं? ये सही समय है एक आर्बिट्राज फंड खरीदने का? जरूर एक काफी अच्छा समय है। जिस समय दो तीन चीजें जो इम्पैक्ट करती है आर्बिट्राज रिटर्न्स, ये तीनों फैक्टर्स आज फेवरेबल है। हर्षवर्धन जी ने जैसे बताया कि टोटल एयूएम अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड्स का भी मिला ले तो भी जो पीक आर्बिट्राज फंड्स का एयूएम रहा है हम उससे काफी दूर है। उसी समय में जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग एक पीक पे जाता हुआ दिख रहा है, लगभग 2 लाख के करीब जाता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर है, मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स है, तो जो स्प्रेड्स है, हालांकि ये मंथली स्प्रेड्स होते हैं, अगले महीने ये चेंज हो सकता है। इस महीने में हमने देखा जो पिछली एक्सपायरी हुई थी उसके बाद जो स्टॉक फ्यूचर आर्बिट्राज है लगभग 8 से 8.5% का एनुअलाइज्ड स्प्रेड्स रहा है, जो कि काफी अच्छा है, पिछले कई सालों में लगभग पीक के आसपास है। और ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ महीनों तक ये स्प्रेड्स इस लेवल पे नहीं लेकिन इंटरेस्ट रेट्स के आसपास या उससे बेहतर लेवल पे होने की आशंका है। तो अगर आपके पास 3 से 6 महीने का अगर पैसा है तो शॉर्ट टर्म में लगाना चाहते हैं, टैक्स एफिशिएंटली लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्बिट्राज फंड डेफिनेटली एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। बिल्कुल, तो बेहतरीन मौके आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिस पर चर्चा की निरंजन अवस्थी ने हमारे साथ, और हर्षवर्धन रूंगटा का भी धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु के आज के इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।